बाबा गोरखनाथ को मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा काफ़ी पुरानी मानी जाती है, लेकिन लोग इस बात की चर्चा जरूर करते हैं कि आखिर में उन्हें खिचड़ी कब से चढ़ाई जाती है। 14 जनवरी दिन गुरुवार को बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई जाएगी। मान्यता है कि बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी अनादिकाल से चढ़ती चली आ रही है। गुरु गोरखनाथ का इंतजार आज भी कांगड़ा के ज्वाला देवी मंदिर में हो रहा है, जहाँ से वह भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे। कहा जाता है कि शताब्दियों पूर्व से लोग गुरु गोरखनाथ के खप्पर में खिचड़ी चढ़ाते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक यह खप्पर भरा नहीं। इतिहासकारों की माने तो त्रेता युग में महान योगी गुरु गोरखनाथ भ्रमण करते हुए कांगड़ा जिले के ज्वाला देवी स्थान पर पहुंचे। वहां गोरखनाथ को आया देख स्वयं देवी प्रकट हुई और स्वागत करते हुए भोजन ग्रहण करने का आमंत्रण दिया। गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी भी इसके इतिहास पर पूरा प्रकाश डालते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में प्राचीन काल से ही खिचड़ी के अवसर पर विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग दर्शन करने भगवान गोरखनाथ जी का आते हैं, अपनी मनोती पूर्ण करते हैं। इस अवसर पर परिसर में खेल तमाशे, दुकानदार, अन्य मनोरंजन के सामान भी आते हैं। परंपरा तो ये प्राचीन काल से ही है। गोरखनाथ जी भगवान हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में गोरखडिब्बी नामक स्थान है, जहाँ ज्वाला देवी का स्थान है। एक बार भ्रमण करते हुए भगवान गोरखनाथ जी वहाँ पहुँचे हैं। देवी जी ने कहा कि हमारे यहाँ एक रुक कर हमारे हाथ का बनाए हुआ भोजन ग्रहण करें। भगवान गोरखनाथ जी उनके आतिथ्य को स्वीकार करते हुए कहा, चूँकि आप यहाँ तामसी पदार्थ भी भोग लगते हैं जो हम योगियों के लिए अग्राह्य है, इसलिए हम चावल दाल जाकर मांग के लाते हैं, आप पानी गर्म करिए, भोजन बनाएंगे, जरूर आपके हाथ का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करेंगे। चूँकि योगी के लिए कहीं भी आना जाना अपने सूक्ष्म शरीर से कहीं भी आ जा सकते हैं। भ्रमण करते हुए गोरखपुर आए, जो यहाँ जंगल था उस समय, राप्ती नदी बगल में ही बहती थी। एकांत स्थानीय नदी तेरे योगी के लिए महत्वपूर्ण स्थान होता है। कुछ समय तक यहाँ तपस्या किए, धीरे धीरे जो आसपास के लोगों को मालूम हुआ कि योगी खिचड़ी मांगने दृष्टि से यहाँ पधारे हैं, तो मुट्ठी मुट्ठी बार इनके खप्पर में चावल डालने लगे। ये चमत्कार महायोगी गोरखनाथ जी के द्वारा ये हुआ कि उस खप्पर से चावल दाल निकाल कर भंडारा बना दे करके हजारों लोगों को भोजन भी ग्रहण करा देते थे। इस तरह चमत्कार महायोगी गोरखनाथ जी का बढ़ता गया, जो आज बहुत बड़ा विशाल मेला उनके उपलक्ष्य में यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। धीरे धीरे यह मान्यता देश विदेश में पहुंची और दूर दराज से लोग यहाँ खिचड़ी चढ़ाने आने लगे। यहाँ पर मेले का आयोजन भी होता है जो महीने भर चलता है। तरह तरह के खेल तमाशों को देखने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ऐतिहासिक रूप से इतिहास मानता है कि महायोगी गोरखनाथ जी का आविर्भाव 9वीं-10वीं शताब्दी में हुआ था, और परंपरा मानती है कि वो अजन्मा थे और वो आदि थे, यानी वैदिक काल से भी पूर्व उनका जन्म आदिनाथ के रूप में माना जाता है। जो गोरखनाथ का मंदिर है उसमें खिचड़ी की दिन ही नहीं, प्रतिदिन शाम को सुबह भोजन सत्र चलता है। ये जो मकर संक्रांति से महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने के द्वारा जो भोजन सत्र या खिचड़ी के रूप में अन्न का वितरण शुरू हुआ, वो कालांतर में प्रतिदिन गोरखनाथ मंदिर के महंतों ने उसको प्रतिदिन भोजन सत्र के रूप में लिया। कि बाबा गोरखनाथ ने लोगों को खिचड़ी खिलाने और अन्न दान करने की परंपरा की शुरुआत किया था, यही वजह है कि मकर संक्रांति का पर्व इस विषय को बड़े ही मजबूती के साथ बल देता है और लोग बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ गोरखनाथ मंदिर में पहुंचते हैं और खिचड़ी चढ़ाते हैं। मुकेश पांडे, ईटीवी भारत, गोरखपुर।